नमस्कार दोस्तों, कैरियर डेस्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में लेके आए हैं आरबीआई असिस्टेंट 2017 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। जॉब वैकेंसी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेके आए हैं दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं इस जॉब जानकारी के बारे में। यह जॉब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट के लिए एग्जाम लिया जा रहा है दोस्तों। इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 623 होंगी और एग्जाम भरने का मोड ऑफ एग्जाम होगा ऑनलाइन। आप www.rbi.org.in पे इसका आवेदन कर सकते हैं। इसकी आवेदन भरने की तिथियां इसकी वेबसाइट पर 18 अक्टूबर 2017 से 10 नवंबर 2017 की होगी। यही सेम डेट इसकी एग्जाम फीस के लिए ऑनलाइन पे करने के लिए है। इसमें दो टेस्ट होंगे, एक टेस्ट होगा ऑनलाइन प्रिलिमिनरी टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट। यदि आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आप ऑनलाइन मेन टेस्ट में के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। प्रिलिमिनरी टेस्ट नवंबर 27-28-2017 को आरबीआई ने संभावित तिथि दे रखी है, यह चेंज भी हो सकती है। उसी प्रकार ऑनलाइन मेन टेस्ट के लिए 20 दिसंबर 2017 संभावित तिथि दे रखी है। हम बात करते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन के लिए। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री ग्रेजुएट 50% के साथ होना चाहिए। SC ST PW कैंडिडेट केवल पास होना चाहिए और एक्स सर्विसमैन के लिए भी दे रखी है। इसके लिए क्वालिफिकेशन, एडुकेशन क्वालिफिकेशन, तो जो भी डिजर्व करता है वह देख लें दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयु की अनिवार्यता के में। आयु, एज, इस कैंडिडेट की आयु 20 से 28 वर्ष के बीच होना चाहिए। इसके लिए कैटेगरीज वाइज उन्होंने, सरकार ने रिलैक्सेशन भी दे रखा है एज में। इसके लिए कैंडिडेट को 2 अक्टूबर 1989 से 1 अक्टूबर 1957 के बीच पैदा होना चाहिए। और इसके बाद रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट में दे रखा है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर दे रखा है। इसी प्रकार और भी कैटेगरी में दे रखा है दोस्तों, देख लें। परीक्षा फीस ऑनलाइन आवेदन, इसके लिए SC ST के लिए 50 रुपये, OBC जनरल कैंडिडेट के लिए 450 रुपये इसकी फीस रखी है। आप इसका आवेदन ऑनलाइन भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं परीक्षा कार्यक्रम योजना की। इसके लिए 2 परीक्षा होगी, एक प्राथमिक परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा। हम प्राथमिक परीक्षा में इसके सब्जेक्ट देख लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 30 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 30 होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी एप्टीट्यूड मैथ के क्वेश्चन 35 होंगे, इसके लिए भी मैक्सिमम मार्क्स 35 होंगे। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 35 होंगे। टोटल 1 घंटे का समय रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 100 होंगे। जब हम इस परीक्षा में पास हो जाएंगे तो हमें मुख्य परीक्षा में बैठने की मौका मिलेगा। इसलिए दोस्तों इसके लिए भी तैयारी बहुत आवश्यक है कि आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में पास हो सकें। इसके बाद बात हम करते हैं मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा में इस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले हम टेस्ट ऑफ रीजनिंग के, टेस्ट ऑफ इंग्लिश के, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी के, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस के 40-40 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी इसके 40-40 होंगे। लेकिन इसका ड्यूरेशन टाइम अलग अलग दिया है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग इंग्लिश न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 30-30 मिनट अलग अलग टाइम बांट रखा है और टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस GA के लिए 25 मिनट होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 ही होंगे। टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे और मैक्सिमम 40, लेकिन इसके लिए टाइम बहुत कम रखा है, 20 मिनट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगे। इसके बाद आप इस परीक्षा में पास होने के बाद आपको लिए एक लैंग्वेज प्रोफेसी टेस्ट, जो तीसरी स्टेज की परीक्षा होगी, उसमें आप जो जहां भी RBI के ऑफिस होंगे वहां पे जो लोकल लैंग्वेज बोली जाती है उसके लिए आप एलिजिबल हों, आप वह बोल लेते हों बस, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हम बात करते हैं RBI असिस्टेंट के वैकेंसी के बारे में। अलग अलग अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल होने से इसमें वैकेंसी दे रखी हैं। तो भोपाल के लिए हम देखते हैं, इसके लिए SC के लिए 1, ST के लिए 12,
ओबीसी के लिए नहीं है, जनरल के लिए 12, तो टोटल 25 हैं। उसी प्रकार आप जिस भी ऑफिस की वैकेंसी देखना चाहते हैं तो आप वह देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं हम पे स्केल की। इसकी पे स्केल बहुत अच्छी है दोस्तों, इसकी 14,650 पर मंथ इसकी बेसिक पे है, यानी हमको हाथ में 32,528 रुपए इंक्लूडिंग 50% हाउस रेंट के आएंगे। इसके लिए की ऑफ सक्सेस क्या होगा? इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए निरंतर पढ़ाई के साथ आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवश्य प्रैक्टिस करें। इस परीक्षा में परीक्षा देते समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इसमें समय की कमी पड़ जाती है। जो प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व कर पा रहे हैं उन्हीं को करें दोस्तों। आपके लिए इस परीक्षा में बैठने के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। यदि आपने अभी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नई जॉब वैकेंसी, लेटेस्ट जॉब और स्टडी मटेरियल के लिए जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी तुरंत मिल सके। ओके, हमारा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।